नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार कि आपकी साथ और सहयोग से हमारा चैनल आज 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इतने कम समय में पूरा कर पाया है। मित्रों, हमने एक मुहिम शुरू की थी कि आपको आपकी परीक्षा की सटीक जानकारी देंगे और हमारी न्यूज़ कभी फेक नहीं होगी, क्योंकि हम अखबार, प्रिंट मीडिया की उन ऑथेंटिक वेबसाइट के माध्यम से आपको आपकी परीक्षा की खबर पहुँचाएंगे। साथियों, हम हर रोज बोर्ड एग्जाम से जुड़ी एक बुलेटिन लेकर आते हैं, जिसमें भारत के सभी राज्यों के बोर्डों की जो जो न्यूज़ आई है उसको हम कवर करेंगे। हो सकता है कि आज आपके राज्य की खबर ना आए, लेकिन कल वो जरूर आपके राज्य में जो भी होगा, जो भी बोर्ड की परीक्षा का निर्णय होगा, वो मैं इस चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आपको एक ही चैनल पर सटीक जानकारी मिल जाए। मित्रों, आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारी इस मुहिम के साथ तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और जुड़िए हमारे चैनल के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली खबर, विदेश में नहीं होगी बोर्ड की परीक्षाएं। कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने विदेशों के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो लंबित थी उन्हें नहीं करने का फैसला लिया है। सीबीएसई की सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है 25 देशों में जो सीबीएसई स्कूल है वहां 10वीं और 12वीं की एक भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। साथियों, ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व घटना है कि पहली बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। अब देखते हैं क्या ये देश में भी ऐसा हो पाएगा या नहीं, वो अब समय ही निर्भर करेगा। लेकिन सीबीएसई ने देशों के 25 देशों की सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया है। यह आपके लिए पहली ब्रेकिंग न्यूज है कि पहली बार कभी बोर्ड परीक्षा नहीं लेने का भारत में निर्णय किया गया है किसी संस्थान के द्वारा कि विदेशों में बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। दूसरी खबर आप सभी के लिए है कि बोर्ड एग्जाम 29 सब्जेक्ट के ही होंगे। साथियों, 42 सब्जेक्ट में केवल मेन सब्जेक्ट के ही एग्जाम लिए जाएंगे और 10 अप्रैल से पहले मिल जाएगी आपको सूचना आपके एग्जाम को लेकर। और आपको एक खबर दे ही देता हूं कि मूल्यांकन आपका रुक चुका है, आपकी कॉपियां जांचने का कार्य अभी सीबीएसई ने रोक रखा है और विदेशों में नहीं होगी बोर्ड परीक्षाएं। आप इस अखबार की प्रति से और कंफर्म कर लीजिए कि विदेशों के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं नहीं की जाएगी। दूसरी खबर एक और है, आईसीएसई बोर्ड ने लिया निर्णय, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के स्टूडेंट होंगे प्रमोट। बार बार पूछा जा रहा था कि आईसीएसई बोर्ड में कोई निर्णय लिया गया है, तो आज वो निर्णय ले लिया गया है कि पहली कक्षा लेकर 8वीं कक्षा के स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा। अब राजस्थान बोर्ड की नजर है कि वो क्या निर्णय लेगा और जल्द ही राजस्थान बोर्ड के अंदर भी आपको सूचना देखने को मिलेगी। चौथी खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को पास करने वाला सर्कुलर फर्जी है। आपको मैं इस चैनल पर इसका अवगत करवा देता हूं कि आप भ्रमित ना हो। इसके बारे में बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि जो भी सोशल मीडिया पर यह सर्कुलर चल रहा था कि 10वीं और 12वीं में पास किया जाएगा बिना परीक्षा, तो यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला। पांचवी खबर है आप सभी के लिए, पंजाब बोर्ड के 8वीं का परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है, इसीलिए छात्रों को हिदायत दी गई है कि वो अपने हॉल टिकट नंबर, अपने सभी दस्तावेज अपने पास रखें और इस वेबसाइट पर कुछ समय के बाद देखते रहें, जल्द ही पंजाब स्टेट बोर्ड के द्वारा 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। छठवीं खबर है, जेके बोस 2020 बोर्ड एग्जाम पोस्टपोनेड फर्दर। साथियों, जम्मू कश्मीर बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और मूल्यांकन का काम भी रोक दिया गया है। अभी कॉपियां चेक करने का काम सस्पेंड है और इंतजार किया जा रहा है लॉकडाउन का। साथियों, अभी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ने परीक्षाएं नहीं करवाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अंतिम खबर पर बात करें, बिहार बोर्ड के अंदर 75% कॉपियां की जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल 25% कॉपियों की जांच बाकी है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद अंतिम 25% कॉपियों की जांच कर ली जाएगी और उसके बाद परिणाम जारी करेगा। इसमें जून माह तक का समय लग सकता है, जैसा कि बोर्ड के द्वारा बताया गया है। साथियों, आपके बोर्ड की परीक्षा की न्यूज़ भी हम अगर आएगी तो वो इस चैनल पर लेकर आएंगे। अभी तक इतनी खबरें जो मिली है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दी एक ही वीडियो के माध्यम से। आगे आने वाली खबरों में आपको और देता रहूँगा। धन्यवाद।